उत्तू लिखिया खलोता हो यार मैं नहीं करेंदा उत्ते लिखिया खलोता हो अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार ते तल्ले बंदा अल्लाह दा फजल समझ के बोझे भरी आवे हदीस नाल मजाक क्या दनी हो जी ना कर माफी दिवे आ जी अच्छा अच्छा चलो अच्छा सुभान अल्लाह दुकान एज बैठा है उत्ते लिखिया खलोता है मन गशा फलैसा मिन्ना जेड़ा धोखा देवे खोट दगाबाजी मिलावट वो साढ़े चो नहीं उत्तू हदीस लिखी खलोती है तले मुड़ एडियां बत्तियां बार रखनिया जो आमन आला अन्न हो वे उन्हें पता नहीं लगे भाई शायद केड़ी तवज्जो है इमाम अबू हनीफा पाक जिदी वजह नाल आपा हनफी अखवाई ने फिका हनफी दे उन्ना सुच्चे मोती कुरान हदीस कट के जाहिल है जेड़ा फिका हनफी दा मुनकर है क्यों फिका हनफी कुरान हदीस दा मुकाबल नहीं कुरान हदीस दे विचू ही सुच्चे मोती है आप एक दे दीगेरे ले दुकान बांध चकी थी कपड़े दे वड्डे कारोबार चल दे बड़े ताजे रहे कपड़े दीगरे ले दुकान बन चकी थी दुया दुकान आले आखिया अब क्यों फरमावे लगे आज बदले ते बदल दे विच जेनस दी शनाख्त नहीं ते हो सकता है कोई बंदा शाये ले जावे ते उन्हों शनाख्त न होवे ते लुटी बवे दुकान ही बंद करे ने किसे नू फराड होवे आज तो भाई कर्जा मुड्डू लेंदे इसे पर इंज पचा गए नी जिवे अम्मा दा दो दो पचो इयो जे बंदे दा जनाजा ही दो हदीसा शाने आले बैदियां हर मजमे पढ़ना ते दो शाने से आबा पाक इयो सुभान अल्लाह मैं यार पर समझ चास करे से मैं पढ़ इमाम मौला अंबिया नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया ला यदखुलु ईमान फी कल्ब रजुल इल्ला बिकराबती जब तक तुहाडे दिल दे अंदर मेरी आल दी मोहब्बत ना होई ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जितने यजीदी मुल्ला है नी सारे ईमान तो कोरे वदे इमाम उल अंबिया नबी हदीस पाक सुभान अल्लाह ने याद